और अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं गन्नौर से, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे वो। शक्ति प्रदर्शन देवेंद्र कादियान का। 6 साल पूछे के भाई 100 करोड़ के नेता, अब तो तेरे को टिकट मिल गए, अब तो तेरा चुनाव, तेरा भाई जो कद्दावर नेता है वो तेरा भाई लड़ेगा मंच पे, का तेरा भाई 100 करोड़ के नेता। बुलाओ, आपका सगा भाई है ना, बुलाओ, बुलाओ सगे भाई, वोट बनवाओ, वोट बनवाओ। कहां है 100 करोड़ के नेता का भाई चाहिए, इसलिए उससे गन्नौर ये पुकार रहा है अपने भाई को, उस कद्दावर नेता को मंच लाइए और वोट मांग के दिखाइए, दिखाइए वोट मांग के। ये नेता, ये 100 करोड़ का नेता, 100 करोड़ के नेता, इस 100 करोड़ के नेता ने कहा से भाई ने, मैं खतरे को खरीदूंगा, खतरे को, उसने कहा मैं खतरे को खरीदूंगा। ये खतरा बिकाऊ नहीं है, ये खतरा बिकाऊ नहीं है। मुझे तख्ती दो, मुझे तख्ती दो भाई, तख्ती, मुझे तख्ती दो, मुझे तख्ती दो, नहीं मुझे तख्ती दो, मुझे तख्ती दो, वो तख्ती दो, मुझे वो तख्ती दो, नहीं मुझे वो तख्ती दो। उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, ये कहा था उसके भाई ने कहा था, उसके भाई ने कहा था, जूस निकालेगा, जूस निकालेगा ये खदरा। पिछले 2 दिन से साथियों शोर कम करो, पिछले 2 दिन से मेरे शहरवासियों को, दुकानदार भाइयों को, दुकानदार भाइयों को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मेरे शहर के व्यापारी भाइयों को धमकी दे रहे हैं, उनको डरा रहे हैं। अरे गुंडो, गुंडो, तुम्हें व्यापारी को डराते हो, व्यापारी को डराते हो, व्यापारी को डराते हो। मैंने कल वीडियो के माध्यम से भाई, आप संदीप, संदीप, संदीप जब जहां खड़ा कोई नहीं बोलेगा, हमारी टीम का कोई भी साथी वॉलंटियर नहीं करेगा, सारे साथी जगह कम है, कोई भी वॉलंटियर बीच में नहीं बोलेगा, जो जहां खड़ा है मुश्किल से 5-10 मिनट का और भाषण है, वहां खड़ा है। मैंने कहा वो नेता गुंडागर्दी पे आए हैं, मेरे शहरवासियों को, व्यापारी भाइयों को धमकी दे रहे हैं, जिनके फोटो देवेंद्र कादियान के साथ है, उनको धमका रहे, उनको डरा रहे हैं। मैंने वीडियो के माध्यम से कहा, मैंने ऑनलाइन आगे कहा कि मेरे व्यापारी भाइयों, आप दुकान पे बैठो, आप दुकान पे बैठो, आपको केवल 5 तारीख को आना है, इस गुंडागर्दी का जवाब देना है, गुंडागर्दी का जवाब देना है, अब मत आओ सामने, आप कृपा करके
आपका वही भाई हो जो 8.5 साल से आपके बीच में हो, आप मत आओ। 5 तारीख तक इंडो की गुंडागर्दी का जवाब अपने अंगूठे से, अपनी उंगली से देना है 5 तारीख। एक और नेता जिसने इस कन्नौर में पिछले 5 साल में विकास की गंगा बहा दी, विकास की गंगा। अरे बड़ी बहन, कन्नौर के आपसे सवाल है। अरे बड़ी बहन, कन्नौर के आप, कन्नौर को आपसे सवाल पूछने हैं। कन्नौर आपसे सवाल पूछना चाहता है, और आपके 20 साल पुराने वर्कर, 25 साल पुराने वर्कर आपका स्वागत करने के लिए गांव में तैयार बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे बड़ी बहन, आपके इंतजार में आपके पुराने कार्यकर्ता जिनका 20 साल में 25 साल में जिनका हालत क्या कर दिया आपने, जिसके परिवार के आंसू निकल रहे हैं, वो आपके पुराने कार्यकर्ता आपको गांव के बाहर अड्डे पे माला लेके खड़े। साथियों, एक ऐसी विधायक जिसने इस कन्नौर में इतिहास बनाया, जिसने इस कन्नौर में इतिहास बनाया, आज तक इतना विकास किसी ने नहीं किया, इतना कन्नौर को बुलंदियों पे कोई नहीं लेके गया जितना हमारी बहन इस कन्नौर को लेके गई। कन्नौर आपका इंतजार कर रहा है। अरे शर्म आती है बहन के तवे, किस आदमी की गुलाम बनी, किस आदमी की गुलाम, गुलाम किस आदमी की बहन, किस आदमी की गुलाम। अरे इसका ना चाल है ना चरित्र है, किस गुलाम ये कन्नौर सवाल होता है। इसलिए एक और नेता पिछले 15 साल से आपके बीच में है, जिसने उसने भी बढ़ा है इस कन्नौर के साथ भेदभाव करने का, जिसने भी मेडल लिया है इस कन्नौर के साथ भेदभाव करने का। यहाँ पर नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव था, ये नेता कांग्रेस में, और वो चरित्रवान नेता एपी का सांसद, याद है ना, चरित्रवान नेता बीजेपी का सांसद, वो सांसद दोनों अलग अलग पार्टी में, लेकिन नगर पालिका में गुंडागर्दी, हाथ उठा के कहा दोनों ने, अलग अलग पार्टी के ने, कन्नौर में हमारा डंडे गुंडागर्दी चलती है, यही बनेगा, ये कहा था। फिर उसको प्रत्याशी बनाया, फिर उसको नगर पालिका के चेयरमैन प्रत्याशी बनाया। अरे किस बात से 36 बिरादरी नारा देते हो, अरे भेदभाव वाले नेता, किस बात का 36 बिरादरी का नारा देते हो। गरीब घर में तो आपने पानी भी नहीं पिया आज तक, गरीब के घर का पानी भी नहीं पिया आज तक, नहीं पिया पानी भी आज तक। और देखो दोनों में क्वालिटी, एक नेता कहता है मेरा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कहता है मेरा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उसी हुड्डा साहब को इसी भेदभाव वाले नेता ने हरवाया था, उसकी गोभी खो दी थी, वही